नमस्कार। पाश की कविता तुम्हें पता नहीं, तुम्हें पता नहीं मैं शायरी में क्या समझा जाता हूँ। जैसे किसी उत्तेजित मुजरे में कोई आवारा कुत्ता आग से, तुम्हारी समझ में मैं किसी खतरनाक पार्टी के लिए आधी रात तक लहू जलाए न जाने क्या लिखता रहता हूँ। तुम्हें पता नहीं मैं कविता के पास कैसे जाता हूँ। कोई गांव की सुंदरी घिस चुके फैशन का नया सूट पहने बोराई सी जैसे शहर की दुकानों पर चढ़ती है। मैं कविता से मांगता हूँ तुम्हारे लिए नेल पॉलिश, छोटी बहन के लिए रंगदार कढ़ाई वाला धागा और बापू के मोतियाबिंद के लिए दवाई। कविता इस तरह की मांगों को शरारत समझती है और महीने दर महीने अपने रखवालों को बैंत के डंडे और नरम बटों वाली बंदूकें देकर भेजती है रात बिरात मेरी ओर, जो अपने साथ ले जाते हैं मेरी मनपसंद किताबें, आले में रखी छोटी उम्र की फोटो और घर की सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हुई मेरी पहली मोहब्बत की उदास रंगों से बिखर गई चीख। तुम्हें पता नहीं कि सिपाही मुझे जानते हुए भी कैसे अजनबी बन जाते हैं। तलाशी ले रहा कोई जाहिल सा पंजा कैसे जा झपटता है मेरे चांदनी रातों से किए गए अहदनामे पर। तुम्हें पता नहीं मेरी रीढ़ की हड्डी का पुराना जख्म उनके जाने के बाद कैसे टसकने लगता है। तुम्हें पता नहीं वह खतरनाक पार्टी क्या करती है। वहां स्याह काली रातों में मोहब्बत का एक उनिंदा दस्तावेज सोई पड़ी धरती पर फड़फड़ाता है, लगातार कुरेती हुई हवा के सामने नंगे सीने खड़े होने का एक सिलसिला है। वे हथियारों जैसे आदमी हैं और आदमियों जैसे हथियार, असल में नवे आदमी है ना हथियार, वे हथियारों से आदमी के टूट रहे याराने की कड़कड़ है। असल में वहां लोग हैं, दूर कुएं को जाते रास्ते की रेत जैसे, जिस पर कई सदियां गृहणियां भत्ता उठाए चलती रहीं, सोचती हुई कि शायद कहीं कभी यहां सड़क बन जाए। लेकिन सड़क पर चलने वाले ट्रैक्टर चालक को न गृहणियों का पता होगा, न तारकोल के नीचे बिछी हुई रेत का। उन्हें साइकिल चाहिए और रोटी की जगह खाने के लिए कोई भी चीज। तुम्हें पता नहीं मैं पिटे हुए गीधड़ की तरह क्यों भाग आया हूँ विलायती अखबार के संपादक के पास से, जिसके रट्टानों के बगैर हाथ बहुत कोमल थे, भैंस द्वारा चाटकर साफ की गई नथनी की तरह। लेकिन उसकी कतरी हुई दाढ़ी जैसे कोई तपती हुई सलाख थी, जो आज़ादी की पहली सुबह की तरह मेरी आंखों में घुस जाने लगी। उसके बैग में तय किए हुए बादलों के थान थे और कैमरे में लालों का एक बासी हुआ पोखर। मैंने उसकी फिएट की डिग्गी में अपने बचपन में हारे हुए आदमियों की डिब्बी देखी थी, लेकिन उसकी ओर जितनी बार हाथ बढ़ाया, कभी सेहत मंत्री खांस पड़ा, कभी हरियाणा का आईजी हुंकारा। तुम्हें पता नहीं कितना असंभव था उसकी गैर राजनीतिक राजनीति के अजगर जैसे फुतकारते शब्दबागों से बचाकर खुद को तुम्हारे लिए साबित ले आना। वह संपादक और वैसे ही हजारों लोग उसकी भद्दी देह पर सवार होकर आते हैं और गांव की पगडंडियों पर घास से हरी चमक मर जाती है। ये लोग असल में रोशनी के भुगनों जैसे हैं, जो दिया जलाकर पड़ रहे बच्चों की नासिकाओं में मितलाहट का भुक्का बनकर चढ़ते हैं। मेरे शब्द उस दिए में तेल की जगह जलना चाहते हैं। मुझे कविता का इससे अच्छा उपयोग नहीं पता और तुम्हें पता नहीं मैं शायरी में क्या समझा जाता हूँ। शुक्रिया।